नवोदय प्लस टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं शिल्पी सेन। आइए देखते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की यह ताजा तरीन खबर। जिला ललितपुर में सत्र 2020-21 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा प्रमोट किए गए 877 छात्र ऐसे हैं जिनकी अंक तालिका पर अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। अपनी इस मांग को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो DIOS ने उनकी सुनी है और ना ही राजकीय इंटर कॉलेज ललितपुर के प्रधानाचार्य ने, जबकि धीरे धीरे समय निकल रहा है और छात्रों को कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर उनकी अंक तालिका पर अंक प्रदर्शित नहीं हुए तो यह छात्र कॉलेज में एडमिशन लेने से वंचित रह जाएंगे। छात्रों का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट ने यह गलती की है। स्कूल मैनेजमेंट की गलती का खामियाजा छात्र क्यों भुगते हैं? अपनी इसी समस्या को लेकर गुस्साए छात्रों ने आज NSUI के जिला अध्यक्ष ऋतिक शुक्ला मोंटी के नेतृत्व में राजकीय इंटर कॉलेज ललितपुर में पहुंचकर तालाबंदी कर दी और प्रधानाचार्य को उनके कमरे में बंद कर दिया। बाद में पहुंची पुलिस ने ताले खुलवाए और छात्रों को समझाते हुए उनसे वार्ता की। इधर आइए, इनकी सबकी वीडियोग्राफी कराए। जो चोर कर रहा है मैं मुकदमा उसको पंजीकृत कर, अब वीडियोग्राफी कराए कौन चोर कर रहा है मैं मुकदमा पंजी उसको गिरफ्तार करी। अब वीडियोग्राफी कराइए, वीडियोग्राफी कराई तो बड़ा दिमाग खराब हो गया। आप अपनी बात कहिए, आप चाहे जो हो सुनी लीजिए मिस्टर, अगर चोर कहोगे ना आपको मैं गिरफ्तार करवा, मैं करवा दूंगा। कैसे तुम किसी बीच कर सकते हो? गलती करी ना सर, गलती करी तो आप गाली दोगे? आप चोर चोर कर रहे हैं नहीं, आप क्यों कर रहे हैं? ये लोग क्यों कर रहे हैं? विद्यालय प्रशासन ने की है ना गलती? नहीं, आप गाली नहीं दे सकते। गाली नहीं देना सर, कितनी मैं सुन रहा हूँ मेरे रिकॉर्डिंग में। आप किसी को चोर नहीं कहेंगे, आप अपनी बात कहेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, आपका हल शाम तक आएगा, आपका हल आएगा, आपकी बात नहीं। छात्रों के उग्र प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही मौके पर अपर जिला अधिकारी अनिल कुमार मिश्र भी पहुंच गए थे, जिन्हें देखते ही छात्र नारेबाजी करने लगे। इस पर अपर जिला अधिकारी छात्रों पर नाराज हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी नाराजगी को खत्म करते हुए छात्रों को समझाया कि उनकी समस्या DIOS के माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में पहुंचाई जा रही है और कल तक बोर्ड से छात्रों के हक में कोई ना कोई सकारात्मक नतीजा आ जाएगा। इस दौरान उन्होंने छात्रों को यह भी समझाया कि जो भी छात्र वैकल्पिक परीक्षा देना चाहते हैं वे फॉर्म भर दें, ताकि परीक्षा देकर उनके अंक उनकी अंक तालिकाओं में चढ़ाए जा सकें। लेकिन छात्रों ने कहा कि अगर परीक्षा करानी है तो उत्तर प्रदेश के सभी इंटरमीडिएट के छात्रों की कराई जाए, इस प्रकार का सौतेला व्यवहार छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाद में अपर जिला अधिकारी के आश्वासन पर छात्र मान गए, लेकिन छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी अंक तालिकाओं में नंबर नहीं आ जाते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? आज हम लोग करीबन 23 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की अंक तालिका पर अंक नहीं आए। आंदोलन हम लोग घंटाघर पर पिछले 8 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, लेकिन विद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण छात्रों की अंक तालिका पर अंक नहीं आ पाए। ना तो DIOS इसको लेकर गंभीर, ना ही जिला प्रशासन के कानों में चूर है। हम सभी की मांग है जल्द से जल्द छात्रों की अंक तालिकाओं पर अंक आए, इसी के लिए आज हम लोगों ने विद्यालय प्रशासन की तालाबंदी की है, विद्यालय प्रशासन का काम बंद किया है। हम सभी की मांग है एक सुर में एक आवाज में कि जल्दी सभी छात्रों की अंक तालिकाओं पर अंक आए, जिससे छात्र आगे की शिक्षा पूरी कर सके। विद्यालय प्रशासन दोबारा परीक्षा करवाने की बात कर रहा है। विद्यालय प्रशासन बच्चों को इस परीक्षा जो है वो स्कूटनी की है, इसको जबरदस्ती विद्यालय प्रशासन अपनी लापरवाही में धकेलने के लिए छात्रों के लिए भयभीत कर रहा है और एक प्रेशर बना रहा है कि आप लोग परीक्षा दो, नहीं तो आपका परिणाम नहीं आएगा। हमारी मांग है कि यदि परीक्षा करवानी है तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक छात्र की परीक्षा होनी चाहिए, नहीं तो किसी भी छात्र के साथ भेदभाव दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। आज हम लोगों ने कहा
तालाबंदी की है, विद्यालय प्रशासन का काम बंद किया है। हम सभी छात्रों ने शांतिपूर्वक तरीके से विद्यालय का कार्य बंद किया है, क्योंकि ये हमारा गंभीर मसला है। 31 अगस्त तक छात्रों को कहीं ना कहीं प्रवेश लेने हैं। ये छात्र कहाँ जाके मरेंगे जब जाके उनके लिए प्रवेश नहीं मिलेगा कल के दिन। छात्र आंदोलन कर रहा है, तालाबंदी कर रही, सर क्या निकला है? देखिए, इन छात्रों का जो है प्री बोर्ड के नंबर जो है ना चढ़ने के कारण इनका रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे अपना धरना दिया है और इनसे बात हो गई है। DIOS को प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा परिषद संपर्क करने के लिए आज भेजा जा गया है। DIOS अभी लखनऊ में है, कल वहाँ जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद पूरी इनकी बात रखेंगे, उसके बाद परसों DIOS से इनकी वार्ता होगी। इस बीच शासन ने एक आदेश और किया है, 27 अगस्त तक जिनको अपने नंबर में चेंजिंग करानी है, जो लोग अनुपस्थित हैं ऐसे लोगों को एक परीक्षा के लिए 27 तक फार्म किया है। बच्चों से हमने वार्ता की, इनको हमने कहा है कि आपका ये जो विकल्प है फार्म भरने का, फार्म भर दीजिए, बाकी परसों DIOS वार्ता करेंगे। इन लोगों का जिन लोगों ने रिपोर्ट नहीं हुआ उनके बारे में शासन क्या निर्णय लेता है बताया जाएगा। कुछ छात्रों की सर आप गिरफ्तारी की कर रहे थे, छात्र नेत कर रहे हैं उसका अनुसार के अध्यक्ष, आप कह रहे थे कि गिरफ्तार करेंगे, इस प्रकार के नारे लगाने से क्या नहीं, मैंने कहा कि देखिए आप लोग किसी को गलत उत्तेजक नारे न लगाएं, तोड़फोड़ करेंगे तो शासन अपनी कार्रवाई करता है, और ये हमारे बच्चे हैं और इन ये लोग हमारी बात मान लिए, इसलिए इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताजातरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।